कृष्ण भक्त कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी है भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वो कभी भी कृष्ण भगवान भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी, तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर वो सब घर बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरी कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हैं? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जीत पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज़ सुबह सुबह पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी क्रांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक घर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के आँखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए और अपनी दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है, मैं रोज़ सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर की पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज़ बाजरे के खिचड़ा का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। थैंक यू।